हमको कस्टमर क्यों छोड़ देते हैं? जो नियमित कस्टमर हमसे प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं वो क्यों हमको छोड़ देते हैं? कैन एनीवन से व्हाई? सर्विस, बिहेवियर, कमिटमेंट, क्वालिटी, रेट डिफरेंस, इनोवेशन. लेट मी शो यू द सर्वे. सर्वे कहता है 1% कस्टमर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है. 3% कस्टमर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो कहीं दूर चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यह सिटी छोड़ के कहीं और चले गए या कंट्री दूसरी ले ली, माइग्रेन हो गए. 5% लोग नजदीकी संबंध डेवलप कर लेते हैं, यानी कि उनके कुछ और लोगों के साथ बहुत नजदीकी संबंध बन चुके हैं, इसलिए वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लेते हैं. ये रेट डिफरेंस की जो बात आई है ना, वो खाली 9% है. हेलो, 100 में से 91 कस्टमर इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि रेट डिफरेंस है, लेकिन 14% प्रोडक्ट या सेवा से असंतुष्ट है. क्वालिटी और सर्विस हमारी ठीक नहीं है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 68% कस्टमर असभ्य व्यवहार के कारण छोड़ देते हैं. यानी 82% कस्टमर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस या हमारा व्यवहार ठीक नहीं है. और उसकी शुरुआत कहां से होती है? कैन एनीवन से? कोई भी व्यक्ति हमसे दुखी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी व्यक्ति कुछ परचेस करना चाहता है, उसका सबसे ज्यादा अनुभव उसको कहां से होता है? हेलो, उसकी बाइंग प्रोसेस से. और इसका एक इंडिया में सबसे ज्यादा इसका एक्सपीरियंस हमको कौन से प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से होता है? कैन एनीवन से? जिससे हम असभ्य सेवा से असंतुष्ट ही होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. हमको पता ही होता है आज भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में टेलीफोन लाइन नहीं लेनी है. कैन एनीवन से कि भाई 24 घंटे में प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलकर काम हो जाएगा? हेलो, इंप्रूविंग लाइक एनीथिंग, आई अप्रिशिएट. पर ज्यादातर केस में हम देखते हैं, पे अगर कोई गवर्नमेंट से है तो मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं. यहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं एक या ज्यादा बार ऐसी कोई सर्विस गवर्नमेंट के साथ लेनी हो और उनको ऐसा अनुभव हुआ है? वी कैन सी, राइट? अभी मेरा दूसरा सवाल, कितने लोगों को यहां पे ऐसा हुआ है कि उनको ऐसा लगता है, बी ट्रू टू योर सेल्फ, खुद को वफादार रहना, मेरी कंपनी में भी कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा. हेलो, हाँ, इसमें तो शायद बॉस पीछे नहीं दिख रहे हैं. जो लोग पीछे बैठे हैं ना, स्टाफ मेंबर्स लाइक मेंबर्स ऑफ द कंपनी, उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम हाथ ऊपर करेंगे और हमारे बॉस ने पीछे देखा तो यार, लाइक ऐसा नहीं होने वाला है. फाइन. हेलो, जितने भी ओनर्स हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी की जो सर्विसेज है वो कंपनी सर्विसेज में कुछ गैप है या हमारी सर्विसेज बेस्ट है? कितने लोगों को ऐसा लगता है हम जो सर्विस देते हैं बेस्ट देते हैं, बेस्ट सर्विसेज? फाइन, थैंक यू वेरी मच. मैं दूसरा एक सर्वे दिखाना चाहता हूं, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, ASQ, जिसके टाटा मोटर्स भी मेंबर है, मारुति सुजुकी भी मेंबर है. ये पूरी दुनिया में खाली सर्वे का ही काम करती है. उन्होंने एक सर्वे प्रेजेंट किया है, बहुत समझने जैसा सर्वे है. 1.5% कंप्लेंट टॉप मैनेजमेंट तक आती है. हेलो, 100 में से 1.5%. 18.5% कंप्लेंट स्टाफ तक रहती है और ये 80% कंप्लेंट रिपोर्ट ही नहीं होती है, यानी कस्टमर स्विच ओवर हो जाता है. यानी कि 100 में से कितनी हमारे तक आई? 1.5%. और हम क्या सोचते हैं, जो मैं कैबिन में बैठा हूं, कोच फॉर लाइफ में बद्दू, मारा सुधी आवे, जो मारा, मेरे तक दो ही प्रकार के लोग आएंगे. कोई कहेगा कौन से प्रकार के, ये 1.5% कौन से होंगे? गुड, जहां जिसको यहां पे रुकना है वही मेरे पास आएंगे. और नहीं, जो इस तरह फंस चुका है, एडवांस दे दिया है,
मैंने ऑनलाइन एक बाइंग की, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, रिसेंटली फरवरी में मैंने बाइंग की, उन्होंने स्टैंडर्ड डिलीवरी रेट 18 फरवरी लिखा था कि 18 फरवरी को ये प्रोडक्ट आपके यहाँ पहुँच जाएंगी, आज तक वो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आई है। मैंने गलती खाली एक ही की थी, एडवांस पेमेंट कर दिया था। 5 बार फोन किया, हर बार एक ही जवाब मिलता है, सर प्रोसेस में है। मैं कहता हूं मैं भी प्रोसेस में ही हूं। और ज्यादातर कंपनियों में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, व्हेन कस्टमर कॉल्स, क्या होता है, वो उसकी कंप्लेन को लेकर, सर्विस को लेकर, कुछ भी चीज को लेकर अपसेट है, वो क्या होता है, हम देख लेंगे, ओके नेक्स्ट टाइम, ओके बाद में फोन करो, सीरियसली नहीं लेते, क्या होता है, ये कस्टमर कंप्लेन बॉक्स ही है। यस, एक बहुत बढ़िया कोट बिल गेट्स ने कहा है, सबसे ज्यादा असंतुष्ट ग्राहक ही आपके बिजनेस का सबसे बड़ा ग्रोथ का कारण बन सकता है, क्योंकि वही आपको बताएगा कहाँ कहाँ गैप है। हार्वर्ड मैनेजमेंट अपडेट, यानी हार्वर्ड मैनेजमेंट स्कूल ने ये सर्वे किया है। ज्यादातर बिजनेसमैन ऐसा मानते हैं कि हमारी यहां से तो हम बेस्ट सर्विस ही देते हैं, हमारे कस्टमर्स को कोई इश्यू है ही नहीं, लेकिन सर्वे कहता है 80% ऑफ कंपनीज बिलीव दे डिलीवर अ सुपीरियर सर्विस, हमारे यहां से बेस्ट सर्विस जाती है, लेकिन उनके 8% अगर फीडबैक लिया जाए, 8% कस्टमर ही ऐसा कहते हैं कि हम सर्विस से सेटिस्फाइड है, यानी कितना परसेंट हुआ, 10%, 90% कस्टमर ऐसा कहते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हेलो हु इज टेलिंग, हार्वर्ड मैनेजमेंट।